क्या आपके भी घर में सबको कढ़ी पकौड़ा बहुत पसंद है, लेकिन उस हिसाब से नहीं बनती है जैसे बनना चाहिए, ताकि लोग पेट भर के उंगली चाट चाट के खाएं। तो दोस्तों, आज मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ पंजाबी कढ़ी पकौड़े की रेसिपी, जिसको लोग उंगलियाँ चाट चाट के खाएंगे, ये ऐसी बनती है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और ऐसे अपने घर पर भी कढ़ी बनाइए, और उसके बाद आके हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि कढ़ी कैसी बनी। दोस्तों, पंजाबी कढ़ी पकौड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए प्याज मिर्च, क्योंकि जो इसका पकौड़े होते हैं उसमें प्याज मिर्च और ये लहसुन अदरक का पेस्ट जाता है। दोस्तों, हमारे यहाँ लोग लहसुन नहीं खाते हैं, इसलिए मैं लहसुन को स्किप कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके यहाँ खाते हैं तो आप इसका पेस्ट डाल सकते हैं। सबसे पहले दो प्याज को आप अच्छे से फाइन चॉप कर लीजिए, और मिर्ची को फाइन चॉप कर लीजिए। अदरक को मैं ऐसे ही कद्दूकस करके डालती हूँ, आप चाहें तो पेस्ट बना के डाल सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद है। तो चलिए, हम ये सब रेडी कर लेते हैं पकौड़ा बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर अदरक को कद्दूकस कर लिया है। चलिए पकौड़े बना लेते हैं। पकौड़े के लिए सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे। बाउल आप थोड़ा सा बड़ा लीजिए, क्योंकि हमें पकौड़े पर जो उसको हम बेसन है उसको अच्छे से फेंटेंगे, तो हमें थोड़ा सा बाउल बड़ा चाहिए। यहाँ पे दोस्तों, मैं चार लोगों के हिसाब से बना रही हूँ, तो मैंने दो कटोरी बेसन लिया है, इसको मैंने ऑलरेडी छान लिया है। आप तो अगर आपने नहीं छाना है तो आप इसे छान के यूज़ कीजिए। यहाँ पे आप अपना प्याज डाल दीजिए, मिर्च में सारी इसी में जाएगी, प्याज थोड़ा मैंने तड़के के लिए बचा लिया है, और यहाँ पे मैं जो मैंने अदरक घिस के रखी थी वो डाल रही हूँ। मसाले में दोस्तों, चार चम्मच बड़ी मैं लाल मिर्च लूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ सब लोग तीखा बहुत पसंद करते हैं, आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। और इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आप नमक डाल दीजिए, ये भी आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। और यहाँ पर मैं एक चम्मच थोड़ी सी चाट मसाला डाल रही हूँ, ताकि पकौड़े जो हैं वो चटपटे बने। और यहाँ पे आप हल्दी मैंने नहीं डाली है, लेकिन आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे हल्दी स्किप कर दी है। तो दोस्तों, अब थोड़ा थोड़ा पानी लेके हम बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा डालिए, अगर आपने एकदम से डाल दिया तो क्या पता गीला हो जाए, हमें पकौड़े बनाने हैं उसके, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद बैटर को एक साइड कर दीजिए, और सबसे पहले हमें तड़का लगाने के लिए दही और बेसन का पेस्ट रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है, और इसमें चार बड़े चम्मच आप बेसन डाल दीजिए। अगर आपको दोस्तों कढ़ी पतली पसंद है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं पसंद है, तो आप चार चम्मच डालिए, और अगर आपको कढ़ी बहुत गाढ़ी पसंद है तो यहाँ पे आप छः चम्मच ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे चार चम्मच लिया है। दही में दोस्तों, मैं यहाँ पे मैं मट्ठा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी कढ़ी खट्टी मुझे पसंद है, तो मैं मट्ठा यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको नॉर्मल पसंद है तो आप वो यहाँ पे दही यूज़ कीजिए, और अच्छे से इसको मिक्सी में फेंट लीजिए। चलिए दोस्तों, तड़का लगाते हैं, और कढ़ाई ले ली है मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, कढ़ी में मस्टर्ड ऑयल ही अच्छा लगता है। देखिए, तेल गर्म हो चुका है, धुआं आ रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने मेथी दाना डाल दिया है। मेथी दाना दोस्तों जब चटक जाएगा, इसको अच्छे से गर्मा लेंगे, और जब ये चटक जाएगा तो यहाँ पे हम लेंगे कटोरी में जीरा पाउडर, मस्टर्ड सीड और हींग, इन सबको हम साथ में डालेंगे। मेथी को आप अलग डालिए, और बाकी ये तीनों इंग्रेडिएंट साथ में जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, दो बड़ी लाल मिर्च डाल दीजिए, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है, और जब ये पकेगा ना दोस्तों, इतनी अच्छी महक आएगी, जो फ्रेग्रेंस है वो इतनी अच्छी आनी यहीं से शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हम अदरक का जो मैंने बाकी बचा हुआ पेस्ट था वो डाल दिया है, थोड़ा सा पकोड़े में डाला था, जो पकोड़े का बैटर था, और बाकी बचा हुआ बैटर मैंने इसमें डाल तड़के में जाएगा। और यहाँ पे अब आएगा आपका दोस्तों, जो आपकी बची हुई कटी प्याज थी वो आएगी, जो क्योंकि इस वाली पंजाबी कढ़ी पकौड़े में आपका कटा हुआ प्याज से तड़का लगता है, तो वो आएगा। तो होपफुली दोस्तों, ये चूँकि मैं थोड़ा इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, माफ़ कीजिएगा, इतने अच्छे से शायद आपको समझ ना आ जाए, होपफुली जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो आपको समझ में आ जाए। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे हम थोड़ा सा कढ़ी पत्ता डालेंगे, चूँकि कढ़ी बना रहे हैं तो कढ़ी पत्ता तो डालना ज़रूरी है। अब ये अच्छे से पक गया है, जो हमारा प्याज था वो पिंकिश हो गया है, तो यहाँ पे हम मसाले डाल देंगे। दो बड़ी चम्मच धनिया पाउडर जाएगा, और
एक बड़ी चम्मच हल्दी पाउडर, सब तो ज़्यादा डालना है, बड़ी चम्मच यूज़ कीजिएगा। और इसके अलावा दो बड़ी चम्मच यहाँ पे मैं पिसी लाल मिर्च डालूंगी, हमें तीखा बहुत पसंद है इसलिए। और इसमें एक चम्मच आपका देगी मिर्च जाएगा, ताकि जो थोड़ी रेडनेस आए, जो उससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। इसको हम अच्छे से भूनेंगे अब मसाले को। तो चलिए इसको हम ढक देते हैं और इसको कम से कम 2 से 3 मिनट तक हम भूनेंगे, ताकि जो मसाला है वो अच्छे से पक जाए, इसका जब तक इसका तेल निकल जाए और इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो दोस्तों अब हम इसमें डालेंगे दही। दही को दोस्तों धीरे धीरे, जो हमने बेसन और दही का बैटर रखा था वो हम डालेंगे, जो हमने मिक्सी में मिलाया है, इसको हम धीरे धीरे डालेंगे धीमी आंच करके। तेज आंच में नहीं डालना है, नहीं तो दही फट जाएगा। तो धीरे धीरे धीमी आंच में डालना है और इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। चलाते रहने से क्या होगा, हमारा दही फटेगा नहीं। आपने दोस्तों नोटिस किया, मैंने अभी इसमें नमक नहीं डाला है, नमक अभी नहीं डालना है, क्योंकि अगर नमक हम अभी डाल देंगे तो कढ़ी हमारी फट जाएगी। तो हमने यहाँ पे दही का बैटर डाल दिया, अब हम इसमें 1.5 लीटर कम से कम पानी डालेंगे। मेरे पास ये जो जार है इसमें ये 1.5 लीटर पानी मैंने पूरा वो डाल दिया है, क्योंकि कढ़ी जितना पकती है उतना ही फूलती है, उतनी गाढ़ी होती है। तो हम इसमें पानी अच्छे से डालेंगे, ताकि जब ये पके तो ये एकदम गाढ़ी ना हो जाए। तो ये आप इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इतनी ही रखनी है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब क्या करना है, आप अपनी आंच को तेज कर लीजिए। अब इसे हमें कंटिन्यू चलाना है, क्योंकि जब तक इसमें उबाल ना आ जाए, नहीं तो कढ़ी हमारी फट जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है धीरे धीरे आप चलाते हैं, और जैसे जैसे इसमें उबाल आएगा ये और भी अच्छे से पके, इसका कलर चेंज होगा। आप देख सकते हैं इसमें उबाल आने लगा है। तो और जैसे उबाल आता है दोस्तों, कितना देखिए फेना सब इकट्ठा होने लगा है, देखिए। तो ये होता है कि अब हमें इसको धीमा कर देना है, मीडियम टू लो आंच में कर देना है, और इसे अब हम ढक के कम से कम इसे हम 30 से 40 मिनट 30 से 40 मिनट इसे हम पकने देंगे। तो चलिए दोस्तों तब तक हम पकौड़े रेडी कर लेते हैं। जो मैंने बैटर रख दिया था, इसको मैंने रुपेन को बोला अच्छे से इसको फेंट दो, क्योंकि अगर अच्छे से नहीं फेंटा जाएगा तो ये जो पकौड़े हमारे सॉफ्ट रेडी नहीं होंगे। तो सॉफ्ट रेडी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसके अंदर कढ़ी अच्छे से भर जाए। तो इन्होंने अच्छे से फेंट दिया है, तो हमने यहाँ पे कढ़ाई रख ली है। तो चलिए इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल देते हैं। मस्टर्ड ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब हम इससे पकौड़े निकाल लेंगे धीरे धीरे करके। आप ज़रूर दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपको किस टाइप की कढ़ी पसंद है। मैंने यहाँ पे आज पंजाबी कढ़ी रेसिपी बनाई है, आपको किस तरीके की पसंद है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो पकौड़े हैं वो अपने आप ऊपर आ गए हैं तेल से, जैसे उन्होंने थोड़ा सा पका। तो यही फ़ायदा होता है जब आप बेसन को अच्छे से फेंट देते हैं। तो हम धीरे धीरे करके ऐसे ही अपने सारे पकौड़े निकाल लेंगे। पकौड़े निकालने में आप टिश्यू पेपर के यूज़ कीजिए, ताकि जितना भी उसका एस्ट्रो ऑयल है वो सब उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। तो दोस्तों बीच बीच में ये जो हम इसको 30 से 40 मिनट पका तो जरूर है, लेकिन हमें बीच बीच में इसे चलाते रहना। आप देख रहे हैं ये जो किनारे किनारे ये थोड़ा रेडिश रेडिश जमा हो रहा है, इसका मतलब है हमारी जो कढ़ी है बहुत अच्छे से पक रही है। तो हम इसे फिर से ढक देंगे और अभी इसे हम 40 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। इसमें दोस्तों मैं नमक डालना भूल गई थी। नमक आपको उबाल जब आ जाए अच्छे से, 5 मिनट तो वो हो जाए, तो आप उसके बाद नमक ज़रूर डाल दीजिएगा। मैं भूल गई, मुझे बाद में याद आएगा, वो आप देखेंगे मैं नमक ने मैंने कहाँ डाला है। लेकिन नमक आपको जब उबल जाए तो आपको यहाँ पे नमक डाल देना है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने जो मैं पकौड़ी, अब 30 से 40 मिनट हो गए पकते पकते, तो मैंने यहाँ पे पकौड़े जो हमने बनाए थे वो यहाँ पे हम डाल देते हैं। पकौड़े हमारे अच्छे से फूले हुए हैं, तो ये अच्छे से जो कढ़ी है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और ये फूल जाएंगे। तो चलिए अगेन हम इसे 20 मिनट और पकाएंगे। कढ़ी पकने में बहुत टाइम लेती है, लेकिन जितना आप इसे अच्छे से पकाएंगे ये उतनी ही स्वादिष्ट बनेगी। तो यहाँ पे दोस्तों मुझे याद आता है कि मैंने नमक नहीं डाला है, तो अब मैं इसमें नमक डालूंगी। तो आपको उबलने के तुरंत बाद, जैसे उबाल आता है और आप उसे धीमी आंच पे पकाते हैं, आप उसमें वहाँ पे नमक जरूर डाल दीजिएगा। तो चलिए इसे अगेन हम 20 मिनट और पका लेते हैं, ताकि जितने भी हमारे पकौड़े हैं वो जो कढ़ी है उसको एब्जॉर्ब कर ले अच्छे से। और इसको हम 20 मिनट और पकाएंगे।
तो ये देखिए दोस्तों, रेडी है हमारी कढ़ी और कितनी डिलीशियस दिख रही है, कितनी टेस्टी दिख रही है। अब इसमें हम रेड चिली और जो इसका साइड में जो रंगन जमा हो रहा था उसको हम ऊपर से डाल देंगे। तो भाई रेडी है हमारी डिलीशियस सी कढ़ी और जो भी इसे खाएगा वो उंगलियाँ ज़रूर से चाटता रह जाएगा। तो दोस्तों अगर आप भी ट्राई करें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में कैसी बनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।